दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कैट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 22 जुलाई 2022 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाली 8 मैचों की बड़ी सीरीज की शुरुआत से पहले आप सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से फर्स्ट ओडीआई मैच से पहले 3-4 बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जिनमें कुछ कुछ खबरें भी हैं, कुछ बुरी खबरें भी हैं। वहीं दूसरी तरफ लेजेंड्स क्रिकेट लीग 2022 के लिए एलएलसी ग्रुप ने अपनी फाइनल इंफॉर्मेशंस को रिवील कर दिया है। काफी सारे बड़े-बड़े चेंजेस यहां पर, उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी-बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाई वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज 2022 को लेकर। जी हां, फिलहाल भारत टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर है, जहां पर भारत और वेस्ट इंडीज आपस में 8 मैचों की बहुत ही शानदार सीरीज खेलने वाली है, जिस दौरान 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। आगाज यहां पर ओडीआई सीरीज के साथ होने वाला है, जिस वनडे सीरीज का पहला वनडे महामुकाबला हमें आज भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से त्रिनिदाद के स्टेडियम में देखने को मिलेगा। मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार होने वाला है। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले की शुरुआत से पहले सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से 2-3 बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है। चलिए बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स की। तो दोस्तों पहला अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है टीम इंडिया को लेकर, जहां पर भाई महामुकाबले की शुरुआत से पहले भारतीय टीम को बहुत ही तगड़ा झटका लग गया है। जी, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ओडीआई मैच से जस्ट पहले टीम इंडिया के वाइस कैप्टन रविंदर जडेजा प्रैक्टिस सेशन के दौरान इंजर्ड हो गए, नी इंजरी का वे शिकार हुए हैं, जिसके चलते इस वनडे सीरीज में उनका पार्टिसिपेट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। बताना चाहूंगा कि बीसीसीआई आज उनकी फाइनल रिपोर्ट जारी कर देगी, वो यहां पर इस वनडे सीरीज का हिस्सा होंगे या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों कुछ सोर्सेज ऐसा भी क्लेम कर रहे कि रविंदर जडेजा की जो इंजरी है वो यहां पर कुछ ज्यादा गंभीर नहीं है, डेफिनेटली वो प्लेइंग 11 में सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों यहां पर टीम इंडिया बहुत ही बड़ी मुश्किल से फंसी हुई है भारतीय टीम की ओपनिंग पेयर को लेकर। जी हां, कौन करेगा ओपनिंग बड़ा सवाल है। एक छोर पर यहां पर कप्तान शिखर धवन होंगे, दूसरे छोर पर कौन होगा कि आपके वो यहां पर आपके ईशान किशन होंगे या फिर ऋतुराज गायकवाड़ होंगे। गायकवाड़ को यहां पर एक बार फिर से चांसेस मिलेंगे, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन हम बात करते हैं इस महामुकाबले के लिए टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में। तो जहां तक मुझे लगता है मेरी जो प्रेडिक्टेड पॉसिबल प्लेइंग 11 है उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे हैं, जहां पर भाई मैंने ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। मेरी प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की, लेकिन आपके मुताबिक क्या होनी चाहिए इस फर्स्ट ओडीआई मैच में टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो ये अपडेट निकल कर आ रहा है भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाली सीरीज की लाइव टेलीकास्टिंग टाइमिंग्स और यहां पर वेदर फोरकास्टिंग को लेकर। जी हां, बहुत ही बड़ी खबर है, काफी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे भाई हमें कहां पर यह सीरीज लाइव देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ना ही सोनी टेलीकास्ट करने वाला है, ना ही यहां पर स्टार इंडिया टेलीकास्ट करने वाला है, डीडी स्पोर्ट्स पर हमें यह पूरी की पूरी सीरीज लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलने वाली है। फ्री डिश पर भी डीडी स्पोर्ट्स का चैनल अवेलेबल होता है, आपको पता है। उसके अलावा यदि आप मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हो तो आपको अपने मोबाइल में फैन कोड ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहां पर जाकर 99 रुपीज का पास लेना होगा, जिसके बाद आप इस सीरीज के 8 महामुकाबलों को एंजॉय कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है केएल कमाल लाजवाब राहुल को लेकर, जहां पर भी आप सभी को पता है कि केएल राहुल पिछले काफी लंबे टाइम से लगातार इंजर्ड चल रहे थे, जिसके चलते उनको भारतीय टीम से भी लगातार रेस्ट पर रेस्ट दिया जा रहा था। और भाई कल ही ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई थी, भाई केएल राहुल ने अपने फिटनेस टेस्ट को क्लियर कर लिया है अपनी इंजरी से, वो बिल्कुल पूरी तरह से 100% रिकवर हो चुके हैं। भाई आपको पता है कि भाई उनको इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड्स में भी शामिल किया गया था, लेकिन अचानक से यहां पर तगड़ा झटका लग गया है। जहां केएल राहुल का यहां पर कल एक COVID-19 टेस्ट हुआ था, जहां पर भाई उनकी रिपोर्ट यहां पर COVID-19 पॉजिटिव आ गई है, जिसके चलते आगामी महामुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में उनका पार्टिसिपेट कर पाना यहां पर अब काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा
टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2022 को लेकर यहाँ बहुत ही बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर भाई खुद यहाँ पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप की होस्टिंग से अपने हाथ उठा लिए। उन्होंने बोल दिया कि भाई इस क्राइसिस में उनके लिए एशिया कप को होस्ट कर पाना काफी मुश्किल नजर आया। ऐसे में यहाँ पर कल बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर यह कंफर्म कर दिया था कि एशिया कप 2022 हमें डेफिनेटली यूएई में देखने को मिलने वाला है। 26 अगस्त या फिर 27 अगस्त कौन सी तारीख होगी, तारीख के ऊपर अभी मोहर नहीं लगी। लेकिन दोस्तों आज शाम से पहले, आज 22 जुलाई, आज एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई, जिस मीटिंग के बाद एशिया कप 2022 का पूरा शेड्यूल और वेन्यूज के रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है सभी इंफॉर्मेशन को ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया जाएगा। और जैसे यहां पर एशिया कप 2022 का फाइनल शेड्यूल आ जाता है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है बीसीसीआई की एजीएम मीटिंग को लेकर। जहां मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि कल बीसीसीआई की एनुअल जर्नल मीटिंग हुई थी, यहां पर बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल मीटिंग हुई थी, आने वाले कुछ दिनों के बाद एनुअल जर्नल मीटिंग भी होगी। लेकिन दोस्तों एपेक्स काउंसिल मीटिंग के दौरान एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था, जहां पर भाई भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी लीगों में खिलाने के ऊपर काफी सारे बड़े बड़े सवाल थे। वहां पर भाई बीसीसीआई ने ऐसा बोल दिया कि हम इसके ऊपर लगातार विचार कर, और जो बीसीसीआई की नेक्स्ट एजीएम यानी एनुअल जर्नल मीटिंग होगी वहां तक हमें बीसीसीआई का फाइनल डिसीजन देखने को मिल जाएगा। सोर्सेज ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि भाई बीसीसीआई यहां पर जो खिलाड़ी भारत की नेशनल ड्यूटीज का हिस्सा नहीं होते उन खिलाड़ियों को विदेशी लीग्स में खेलने की परमिशन दे सकता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इससे भाई थोड़ा आईपीएल के साथ ज्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा। अगर भारतीय खिलाड़ी बाहर की लीग्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे बाहर की लीगें भी काफी ज्यादा हद से ज्यादा प्रमोट हो जाएंगी, जो कहीं ना कहीं आईपीएल के लिए आगे काफी ज्यादा कॉम्पिटिशनल साबित हो सकती है। लेकिन आपके मुताबिक बीसीसीआई को क्या डिसीजन लेना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है साल 2022 की वन ऑफ द बेस्ट और सबसे रोमांचक टूर्नामेंट यानी लीजेंड्स क्रिकेट लीग 2022 को लेकर सभी पूरे संसार के क्रिकेट फैंस बेसब्री से इस लीग का इंतजार करते, क्योंकि पूरे संसार के क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके सभी लीजेंड खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का हिस्सा होते। और भाई ऐसे में यहां पर सीजन 2 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, 20 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच यह शानदार टूर्नामेंट हमें ओमान में देखने को मिलने वाला। लेकिन दोस्तों अचानक से रोड सेफ्टी सीरीज के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी, सितंबर महीने में रोड सेफ्टी सीरीज भी स्टार्ट होने वाली, जिसके बाद यहां पर एक बहुत ही बड़ी जंग हो गई, जहां एक तरफ है रोड सेफ्टी सीरीज, दूसरी तरफ की लेजेंड्स क्रिकेट लीग, इनमें से कोई एक लीग हमें सितंबर में देखने को मिलेगी। लेकिन कौन सी होगी वो लीग, यहां पर ज्यादा चांसेस तो लेजेंड्स लीग के लग रहे हैं, लेकिन आप कौन सी लीग को देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों ये आज 22 जुलाई 2022 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों आपके ओपिनियन सभी कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।